हेलो फ्रेंड्स, मैं डीके सर, इंग्लिश बाय डीके सर चैनल पे आप सभी लोगों का दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हमारा जो टॉपिक है प्रीपोजिशन है। मरने पे कितने तरह के प्रीपोजिशन यूज करते हैं हम सीखेंगे। छह प्रकार से व्यक्ति मरता है, कैसे मरता है वो बताएंगे। लेकिन क्लास शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से एक बात बता दूं। दोस्तों, मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती करता हूं, प्लीज परिवार की रक्षा करना चाहते हैं, अपने देश की रक्षा करना चाहते हैं तो प्लीज घर से बाहर मत निकलिए। कई दोस्तों का फोन आ रहा, कह रहा है कि बहुत बोर रह रहा हूं, क्या करूं। दोस्तों, जिंदगी एक बार मिली है, बार बार नहीं मिलेगी, और ये 60 से 70 साल की जिंदगी है। इस जिंदगी को, इस पल को, इस दिन को आज अगर आपने सही से नहीं जिया तो फिर 40 साल के बाद आप ये सोच रहे होंगे कि काश मैं युवा होता तो ये काम करता। मैं आपसे बार बार कह रहा हूं, इस पल को, इस मोमेंट को, कोरोना में आपको रोना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ अच्छा काम करना है। दोस्तों, बहुत सारे अच्छे काम है, घर से बैठ के किए जा सकते हैं। मैं भी लखनऊ में हूं, मैं भी अपने परिवार को छोड़ के हूं, मैं भी यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, दिल से पढ़ा रहा हूँ, दिन रात एक करके पढ़ा रहा हूँ दोस्तों, और अपने अकेडमी पे भी पढ़ाने जा रहा हूँ। क्यों? ताकि आप लोगों की, अपने परिवार की सेवा कर सकूं। मैं भी चाहता तो घर पे जाकर बैठ जाता, खाना खाता, सेफ रहता, लेकिन मैं चाहता हूं, अच्छी बात है अगर आप घर पे गए हैं, बट ये किसी के मन में मत डालिए कि मैं बोर हो रहा हूं। दोस्तों, आपकी वजह से अगर कोई खुश रहता है तो दुनिया का सबसे बड़ा सक्सेसफुल पर्सन आप है। खुश रहिए, कुछ ऐसी बातें अपने दोस्तों से बात करिए कि उसका जो निगेटिव चीज है ना दोस्तों दूर हो जाए, क्योंकि आप लोग गलत काम करते। क्यों? आपको मजा उसी से आता है, जो फेल हुआ है ना उसी के पास फोन भी करते, क्योंकि चोच में चोच मिलाने में मजा आता है ना, क्योंकि जो पास हुआ तो उसका तो फोन ही काट देते हैं। दोस्तों, फेलियर इंसान आपको 10 तरीके बताएगा फेल होने का, लेकिन एक सक्सेसफुल इंसान एक ही तरीका बताएगा लेकिन पास होने का। तो इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, कर दिखा कुछ ऐसा कि पूरा हिंदुस्तान करना चाहे आपके जुनून के जैसा। तो दोस्तों, हम लोग बढ़ सकते हैं आगे अगर आप लोगों की अनुमति हो तो। 20 से चलिए शुरू करते हैं। डाई के साथ ऑफ कब लगाया जाता है, ये पहला रूल है प्रीपोजिशन का। दोस्तों, डाई के साथ प्रीपोजिशन ऑफ तब लगाते हैं कि यदि कोई व्यक्ति किसी डिजीज यानी बीमारी से मरता है। व्हेन अ पर्सन डाइड विद एनी इलनेस, यानी किसी व्यक्ति कोई बीमारी से मरता है तो वहां पे डाई ऑफ लगाते हैं। बीमारी से ही नहीं, अगर कोई व्यक्ति भूख से, प्यास से, यानी थर्स्ट से, स्टार्वेशन से भी मरता है, घाव, कुंड, घाव से भी मरता है ना दोस्तों, तो वहां पे डाई के साथ ऑफ लगा। ये 5 चीजें मैंने बताई, दिमाग में रख लीजिए, कभी मत गलत करिएगा। दोस्तों, फिर से मैं बता दूं, डाई के साथ फ्रॉम भी लगाते हैं। इसका एग्जांपल देखना तो देखिए, ही डाइड ऑफ कैंसर, कोरोना, तो कोरोना एक बीमारी का नाम है। दोस्तों, कोई व्यक्ति कोरोना से मर रहा है तो एक बीमारी का नाम है। तो याद रखना है आप लोगों को, कोरोना से कोई व्यक्ति मरता है तो डाई के साथ ऑफ लगाते। क्यों? कि कोरोना एक बीमारी का नाम। गेटिंग माय पॉइंट? वही पर अगर बात करें मेरे दोस्तों कि डाई के साथ हम लोग फ्रॉम भी लगाते हैं, बट कब लगाते हैं? अगर कोई व्यक्ति बीमारी से नहीं मर रहा, फालतू के काम से मर रहा है, जैसे ज्यादा दारू पी लिया, ठीक है, भी कुल रहा, ओवर ड्रिंकिंग, ओवर ईटिंग, तो ज्यादा दारू पीने से कोई मर जाए तो ही डाइड फ्रॉम लगाते। तो डाई के साथ हमेशा क्या लगाते हैं दोस्तों? फ्रॉम लगाते। ही डाइड फ्रॉम ओवर ड्रिंकिंग, ज्यादा पीने से मर गया। वही बात करें, डाई के साथ विद भी लगता है दोस्तों। अगर कोई प्रेमी किसी प्रेमिका के साथ मरता है, लवर के साथ मरता है ना, तो डाई के साथ विद लगाते हैं। जैसे He died with राधा, खुद भी मरा, उसे भी ले गया। तो दोस्तों, इसको याद रखना है, कोई व्यक्ति लवर के साथ मरता है तो डाई के साथ विधि लगाते, लेकिन डाई के साथ फॉर्म पर लगाते मोस्ट इंपोर्टेंट। लिख लीजिएगा दोस्तों, अगर कोई व्यक्ति किसी की सेवा करते करते मर जाए ना, चाहे अपने देश की सेवा की बात की जाए, हमने कहा हमारे फिल्म इंडस्ट्री में 2 बेहतरीन अभिनेत्रा फिल्म की सेवा, देश की सेवा करते करते चले गए। तो आप लोग देख सकते हैं, ऋषि कपूर डाइड फॉर हिज कंट्री। ऋषि कपूर मर तो गए, शहीद तो हुए, लेकिन अपने देश की सेवा करते करते मेरे प्यारे बच्चों उन्होंने अपने जान को कुर्बान कर दिया। वही बात करें, डाई के साथ बाइक कब लगाते? डाइड बाय सुसाइड। अगर कोई व्यक्ति घर में बैठे बैठे मर जाता है ना मेरे प्यारे बच्चों, कोई काम धाम नहीं है ना, तो वहां पे सुसाइड के लिए डाई के साथ बाइक लगाते। याद करने का तरीका देखो दोस्तों, याद रखना मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप बाई बाई बार बार करोगे ना दोस्तों, तो आपको सुसाइड करना पड़ेगा। इसीलिए घर से बाहर मत निकलिए, सेफ रहिए। डाई इन कब लगता है? मोस्ट इंपोर्टेंट। अगर कोई व्यक्ति बिस्तर पे मर जाए, चाय पीते पीते, या कोई व्यक्ति युद्ध भूमि में मारा जाए, या कोई व्यक्ति एक्सीडेंट में मारा जाता है ना, तो वहां पे मेरे प्यारे बच्चों डाई के साथ इन लगाते। जैसे सुभाष चंद्र बोस डाइड इन बैटलफील्ड, युद्ध भूमि में मारे गए ना, तो वहां पे डाई के साथ इन लगाएंगे। सो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग एग्जाम्पल की बात करें, 2 एग्जाम्पल मैं देता हूं, आपसे पूछूंगा इसका जवाब। रवि डाइड डैश स्टार्वेशन। दोस्तों, स्टार्वेशन का मतलब भूख होता है। खुद बताओ, कोई व्यक्ति अगर भूख से मरेगा तो क्या लगाओगे? ऑप्शन मैंने ऊपर दिया है, सी डाइड डैश कैंसर। अगर कोई व्यक्ति बीमारी के नाम से मर रहा है तो क्या लगाओगे? ये 2 ऑप्शन आपके सामने हैं, ऑफ, विद, फ्रॉम, टू। आपको आंसर देना है, लेकिन मैं आप लोगों को फिर से हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूं, प्लीज बी सेफ, घर पर रहिए। अगर बाहर भी निकल रहे हैं किसी काम से दोस्तों, तो आप
एक मास्क लगा के जरूर निकलिए, क्यों कि आपको देखकर कोई अगर मास्क लगा ले तो दोस्तों दुनिया का सबसे बड़ा अच्छे इंसान आप हो गया। और मैं फिर से बता दूं मेरे प्यारे बच्चों, याद रखना जिंदगी में इस पल को खुश रखो, अपने आप कल सही हो जाएगा, विश्वास करिए। स्ट्रेस इस समय कोरोना के कंडीशन कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जिसके पास नहीं है, लेकिन उसी में दो तरह के लोग हैं, एक फोन कर करके सबको बता रहे मैं बड़ा टेंशन में हूं टाइम नहीं कट रहा, और एक वो जो फोन करके ये बता रहे कि हम अपने टाइम को सही तरीके से यूटिलाइजेशन कर रहे, मौका मिल गया है तैयारी करने का, दो महीने का तगड़ा मेहनत कर रहे, कड़ी मेहनत कर रहे, टाइम टेबल बना के पढ़ रहे। तो मेरे प्यारे बच्चों समय है, कर दिखा कुछ ऐसा कि पूरा हिंदुस्तान से लेके पाकिस्तान तक करना चाहे सिर्फ आपके कदमों के जैसा। जय हिंद। हेलो दोस्तों, मैं धर्मेंद्र यादव आप सभी लोगों का दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों आज का टॉपिक हमारा होगा प्रीपोजिशन, बहुत ही मजा आने वाला है। क्यों? क्योंकि आज मैं आप लोगों को पढ़ाना हूं कि जब कोई व्यक्ति मरता है तो छह तरह से मरता है और छहों के साथ अलग अलग प्रीपोजिशन लगता है, जैसे डाई ऑफ, डाई फ्रॉम, डाई इन, डाई बाय, डाई विद। लेकिन कब लगता है इसकी शुरुआत करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं, दोस्तों अगर आप घर से बाहर निकलते हैं तो प्लीज मास्क लगा के निकले। आप जब मास्क लगा के निकलोगे, सोशल डिस्टेंस मेंटेन करोगे, तो जो सामने वाला होगा दोस्तों खुद ही शर्मिंदा हो जाएगा और आपकी बातों को फॉलो करने लगेगा। अगर ये आपकी वजह से फॉलो होता है तो दोस्तों आज के समय में, आज के दिन में, इस बुरी स्थिति में दुनिया का सबसे बड़े सक्सेसफुल पर्सन आप होंगे। लग नहीं रहा लेकिन होंगे दोस्तों, आने वाले समय में आप कितनी को जिंदगी बचा लेंगे आप सोच भी नहीं सकते। कई लोगों को शिकायत है कि हमारे घर पे इतनी प्रॉब्लम है, मैं घर पे बैठ के बोर हो रहा हूं, समझ नहीं आ रहा कुछ क्या करूं। दोस्तों दो तरह के इंसान होती है, याद रखना, एक वो जो कहते हैं कि हमारे पास समस्या है और एक वो जो कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों हमारे पास समाधान है। तो मेरे प्यारे बच्चों दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। जैसे याद रखना दोस्तों, दुनिया में अगर कोई कहता है ना कि दुनिया में कोई ऐसा इंसान नहीं है जिसके पास कोई प्रॉब्लम नहीं है, दुनिया में ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसके पास कोई प्रॉब्लम नहीं है, और दुनिया में ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है जिसका कोई सोल्यूशन नहीं है। दोस्तों अगर आप फोकस करेंगे अपने गोल पे, अपने लक्ष्य पे, तो आप अपनी समस्या को अपने आप भूल जाएंगे। लेकिन इफ यू फोकस ऑन योर प्रॉब्लम You lose the goal, but you focus on your goal, you lose the problem. तो हमें focus कहाँ पे करना है दोस्तों? अपने goal पे करना, अपने target पे करना है कि इस दो महीने की स्थिति में हम क्या कुछ ऐसा लिख दें, क्या ऐसा creative कर दें, चाहे TikTok पे, चाहे YouTube पे, चाहे राइटर के रूप में, चाहे मम्मी पापा का सेल्फ हेल्प करने के रूप में, या गांव में ही किसी गरीब की मदद करने के रूप में, और पैसा से ही मदद नहीं किया था दोस्तों, किसी को अगर आप मोटिवेट करके भी मदद करते हैं ना तो बहुत बड़ा मोटिवेशन, बहुत बड़ा हेल्प है सर। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहले बात करेंगे कि डाई के साथ प्रीपोजिशन ऑफ कब लगाया जाता है। मेरे प्यारे बच्चों जब कोई व्यक्ति किसी बीमारी के नाम से मरता है, सुनिएगा, जब कोई व्यक्ति किसी बीमारी के नाम से मरता है, चोट से मरता है, भूख से मरता है, प्यास से मरता है, तो प्रीपोजिशन डाई के साथ ऑफ लगाते हैं। जैसे ही डाइड ऑफ कैंसर, ही डाइड ऑफ कोरोना, जैसे वहां पर लिखा देखिएगा कोरोना एक बीमारी के नाम है तो वहां पर आपको ऑफ लगता है। मैं फिर से बता दूं दोस्तों, आप समझ में आ गया होगा। तो डाई के साथ फ्रॉम कब लगाते हैं दोस्तों? डाई के साथ फ्रॉम लगाते हैं जब कोई व्यक्ति बीमारी से नहीं किसी अन्य कारण से मरता है। जैसे मान लीजिए कि आप ज्यादा खाने पीने से मर गए, आप ज्यादा ड्रिंक करने से मर गए, तो जरूरत से ज्यादा पीने से अगर कोई व्यक्ति मरता है तो वहां पे भी हम लोग क्या लगाते हैं? डाई के साथ फ्रॉम लगाते हैं। दोस्तों याद रखना है ही डाइड फ्रॉम ओवर ड्रिंकिंग। तीसरा एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, डाई के साथ विद लगाते हैं। जब कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति के साथ मरता है, यूं समझ लो अगर प्रेमी प्रेमिका के साथ मरती है, लवर के साथ कोई मरता है ना, तो डाई के साथ विद लगाते हैं। जैसे He died with राधा, राधा के साथ मर गया, तो मेरे प्यारे बच्चों का होता ना कि हम भी जाएंगे तुम्हें भी ले जाएंगे सनम, ऐसी स्थिति में डाई के साथ विद लगाते। लेकिन जो मेरे प्यारे बच्चों अगला है डाई फॉर, मोस्ट इंपोर्टेंट, पेन कॉपी से लिख लीजिएगा दोस्तों। क्यों इंपोर्टेंट है? कि जब कोई व्यक्ति किसी की सेवा करते करते मरता है, जैसे इरफान पठान और ऋषि कपूर डाइड फॉर हिज कंट्री, अपने देश की सेवा करते करते फिल्म इंडस्ट्री में अपने आप को दिन रात एक करके तपाक रख दिया, ऐसे अभिनेताओं को मैं सैल्यूट करता हूं, उनके साथ डाइड सेट फॉर लगेगा। तो जब कोई व्यक्ति किसी ऋषि कपूर डाइड फॉर हिज कंट्री, अपने देश की सेवा करते करते मर गए, इरफान पठान डाइड फॉर हिज कंट्री, अपने देश की सेवा करते करते मर गए, तो डाइड के साथ फ्रॉम लगाएंगे। लेकिन डाइड के साथ बाई कब लगाना? डाइड के साथ बाई तब लगाना जब कोई इंसान बाई की तरह काम करने लगे, मतलब इतना बेकार काम करने लगे कि उसे खुदकुशी करने पर मजबूर हो जाए। कोई काम ना, इंसान खुदकुशी कब करता है जिसके पास कोई काम ना हो? फालतू की बातें जब दिमाग में आना शुरू होती है ना, तो वहीं पे इंसान सुसाइड करता है। तो डाई के साथ बाई लगाना जब कोई व्यक्ति सुसाइड करता है। यहाँ पे याद रखना, सुसाइड की नौबत तब आती है जब आप अपने आप को फ्री रखते हो, अपने आप को इतना बिजी कर दो, इतना बिजी कर दो कि बुरा चीज आपके दिमाग में खोपड़ी में आए ही ना, इतना व्यस्त कर दो अपने आप को। तो डाई बाई लगाते हैं जब कोई व्यक्ति सुसाइड करता है, आत्महत्या करता है।
लेकिन अगर हम बात करें कि डाई के साथ इन कब लगाते हैं, तो डाई की इन की स्थिति बड़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगर कोई व्यक्ति कहीं नहीं जा रहा है, घूमने नहीं जा रहा है, कोई काम धाम नहीं, बिस्तर पे चाय पीते पीते अगर मर गया तो डाई इन लगाते हैं। और युद्ध भूमि में भी कोई मारा गया तो डाई इन लगाते हैं। बैटलफील्ड में अगर कोई व्यक्ति एक्सीडेंट में भी मारा गया ना तो डाई इन लगाते हैं। तो ये तीनों प्रीपोजिशन मैंने आपको बता दिए दोस्तों। वीडियो को 2-3 बार देखिए, विश्वास करिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सारे यहीं से बने हैं। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये तीनों, इन तीनों को पढ़ लो, कभी गलत नहीं होगा। लेकिन जानना सब है दोस्तों, दो एग्जांपल प्रीवियस ईयर से मैंने उठाया था। और मैं चाहता हूं कि पढ़ा तो मैंने दिया, लेकिन जवाब आपके कमेंट में, आपके हाथों से, आपकी जुबानी जानना चाहता हूं दोस्तों। रवि डाइड डैश स्टर्वेशन, स्टर्वेशन का मतलब होता है भूख। सी डाइड कैंसर, कैंसर आपको पता है बीमारी का नाम है। तो इनमें क्या फील करेंगे, ये ऑप्शन आपके सामने है, ऑफ विद फ्रॉम और टू। तो दोनों में इनमें से उठा उठा के फील करना है दोस्तों। और मैं आप लोगों का इंतजार करूंगा, और जाते जाते बस आप लोगों से बस एक ही हाथ जोड़ के फिर से रिक्वेस्ट करूंगा, खुद भी सुरक्षित रहें, अगर परिवार को सुरक्षित रखना चाहते हैं तो पहले खुद को सुरक्षित रखिए, देश अपने आप सुरक्षित हो जाएगा दोस्तों। परेशान सब हैं, कोई ऐसा इंसान नहीं है जिसके पास कोई समस्या नहीं है, मैं फिर से बता दूं, और कोई ऐसा समस्या नहीं जिसका कोई समाधान नहीं है। तो हमें अपने समस्या अपने समाधान पर फोकस करना है, अपने आप को कुछ नया करने की कोशिश करना है। और ये कहना छोड़ दो यार कि हमसे नहीं हो सकता, हम बोर हो रहे हैं, है ना, तुम क्या कर रहे हो, क्या कट रहा है फोन करने पे, किसी से पूछो क्या है, हाल चाल है, तो सीधे बोला कट रहा है। अब एक कट रहा है, सारी जिंदगी मिली है, 70 साल की जिंदगी में भगवान की भी इंसान की जिंदगी दी है, और इंसान एक ऐसा प्राणी है जो हंस सकता है, मुस्कुरा सकता है, और तुम कह रहे हो कट रहा है। इस जिंदगी को सही तरीके से जी, मैं फिर से बता दूं, तू जिंदगी को जी, मैंने छोटा सा पोएम लिखा है, पसंद आएगा कमेंट करेगा, तू जिंदगी को जी, इसे समझने की कोशिश न कर, तू जिंदगी को जी, इसे समझने की कोशिश न कर, जो मिल गया उसी में घुस रहे, जो सुकून छीन ले उसे पाने की कोशिश न कर। हाथों को फैला, खुल के सांसें ले, अंदर ही अंदर घुटने की कोशिश न कर। दोस्तों वीडियो पसंद आएगा लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा। मैं डीके सर, धर्मेंद्र यादव, जय हिंद।